हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज सीखेंगे कि पॉकलाइन मशीन कैसे चलाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तीन मशीन है, दो जेसीबी का पॉकलाइन है और एक जेसीबी का लोडर है उस तरफ पीछे में। अगर आप लोडर मशीन कैसे चलाते हैं देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। ये यहाँ पे दो मशीन है पॉकलाइन का, इस तरफ आपको मिल जाएगा। ये इधर बॉकेट है, ये जो दिख रहा है ये वाला बॉकेट है, और ये जो लंबा सा दिख रहा है वो रैम है, और स्टिक है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिक है, और स्टिक का वो रैम उधर है वो वाला जो दिख रहा है वो लंबा सा स्टिक रैम, और ये बूम है जो दिख रहा है यहाँ से लेकर पूरा वहाँ नीचे तक, और वो जो दिख रहा है वो बूम रैम है ये सामने, और इधर केबिन, और ये मशीन का पीछे साइड काउंटर बेड इस तरफ दिखा देता हूँ आपको। ये दूसरा मशीन है, दोनों में सेम रहता है। आपको बैटरी कहाँ लगता है उसको दिखाता हूँ। इसमें दो बैटरी लगता है, इधर कोना में है, ये इसका चाबी है, ये इधर दो बैटरी लगता है, 12 वाट का है। और इस तरफ आपको मिल जाएगा इधर यह डीजल टैंक है, ये वाला डीजल टैंक है, और ये हाइड्रोलिक, और इस तरफ ये हाइड्रोलिक पंप है, ये हाइड्रोलिक पंप दिख रहा है ये वाला, और इस तरफ ये फिल्टर लगा हुआ है इधर, ये वाला फिल्टर है, और ये हाइड्रोलिक फिल्टर है और डीजल फिल्टर है इस तरफ से। और इधर पीछे साइड काउंटर बेड। चले चलते हैं आप केबिन की तरफ। ये आ गया केबिन, बाहर से ऐसा दिखता है केबिन। ये आ गया केबिन अंदर, आपको बताता हूँ इस तरह क्या क्या चीज है यहाँ पे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्विंग लॉक का है, ये लाइट का है, और ये वाइपर का है, और ये लॉक का है इस तरफ, ये वाला है, ये भी लॉक बटन है, ये भी लॉक का काम करता है। इधर ऐसे नीचे करेंगे तो ये लॉक हो जाता है, ऊपर करते हैं तो लॉक हो जाता है, यहाँ करते हैं तो लॉक नहीं होता है। और इस तरफ जब वो खराब हो जाता है या फिर ये खराब हो जाता है, दोनों काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, दोनों लॉक का काम करते हैं। और ये चाबी वाला है, इसमें चाबी लगाते हैं, ये चाबी, चाबी लगी। और इधर ये दिख रहा है ना स्टॉप केबल है, ये इसको खींचना पड़ता है ऐसे करके, और ये आरपीएम का है, एक्सलेटर भी बोलते हैं इसको, इधर बढ़ाने से एक्सलेटर बढ़ता है, ऐसा ऐसे कम करने से कम होता है इधर से। और जो इस तरफ दिख रहा है ये रिले और फ्यूज है दोनों ही। और इस तरफ आते हैं, ये दिख रहा है, ये आवर्स मीटर है, और ये टेम्परेचर का है, टेम्परेचर बताता है इसमें, और ये इसमें डीजल बताता है, और ये जो दिख रहा है ये मार्चिंग लीवर का है, आगे तरफ दबाएंगे तो आगे जाएगा और पीछे तरफ ऐसा खींचेंगे तो पीछे जाएगा। फुट पैडल है। और इस तरफ ये दिख रहा है, ये लीवर है, और इधर भी एक लीवर है, दो लीवर है इसमें, एक लीवर में चार फंक्शन रहते हैं, अलग अलग काम करता है ये फंक्शन।
ये बूम का है, ये जो इधर दिख रहा है ये वाला बूम, इसका काम करता है ये बूम। इधर नीचे करेंगे तो इसको नीचे करेंगे तो बूम नीचे होगा, और इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे तो बूम ऊपर उठेगा। और बॉकेट का है जो उधर दिख रहा है वो वाला बॉकेट, उधर हाँ ये बॉकेट काम करेगा। इसको करेंगे तो बॉकेट बंद होगा, और इस तरफ ऐसे करेंगे तो बॉकेट खुलेगा। और इस तरफ वाला, इसमें भी चार फंक्शन है। स्टिक का है, स्टिक अंदर आएगा और इसमें स्टिक बाहर जाएगा, मुझे दिख रहा है वो स्टिक है वो। और स्विंग का है, इस तरफ करेंगे स्विंग होगा और इस तरफ करेंगे तो भी स्विंग होगा इसमें। और इस तरफ कुछ कुछ रखने के लिए है, पानी बोतल। चलिए आपको इंजन की तरफ लेके चलता हूँ। चढ़ने के लिए टूल बॉक्स है, इसमें ग्रीस रखते हैं। और इधर दिख रही है आपको ये, इधर वो स्विंग मोटर है, और इधर ये दिख रहा है ये कंट्रोल वाला है। वो स्विंग मोटर घुमाने का काम करते हैं, और ये कंट्रोल वॉल कंट्रोल करता है पूरा पाइप में, जितना जिसको ऑयल चाहिए उतनी मात्रा में ऑयल भेजता है। और वो जो नीचे दिख रहा है वो सेंट्रल जॉइंट है, वो चैन कंट्रोल करता है। इंजन इसका ये 140 है, इससे बड़ी बड़ी मशीन आपको मिल जाएगा जैसे भी में।